हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एकेडमी पर। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो जिसे हम लोग हिंदी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे अर्थ के इनसाइड से रिलेटेड है कि हमारे पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो आप ना इस चीज़ को जियोलॉजी भी कह सकते हो। ठीक है, जो हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो पढ़ते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? जियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे भूविज्ञान या जियोलॉजी भी कह सकते हो। तो देखो कि अगर हम अर्थ के इनसाइड की बात करें, पृथ्वी के भीतर की बात करें, तो जो हमारी पृथ्वी का रेडियस है, जो हमारे अर्थ का रेडियस है, ये कितना है? 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर हमारे अर्थ का रेडियस हो जाता है। ठीक है, वैसे तो बुक्स वगैरह में क्या है कि आपको लगभग 6400 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, 6400 किलोमीटर भी आपको बुक्स वगैरह में लिखा मिलेगा, बट जो हमारा जो मतलब कि एक्चुअल अगर हम कहें कि लगभग जो हमारा रेडियस है वो कितना है, 6371 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस पार्ट को, अगर हम बात करें इस पार्ट को इलैबोरेट करें, ठीक है, इतने से पार्ट को अगर हम इलैबोरेट करके देखें, तो हम क्या पाते हैं कि हम अपने अर्थ के इंटरनल पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये सबसे अपर हो गया, एक ये मिडल हो गया, और एक ये लोअर हो गया। ठीक है, तो जो सबसे अपर पार्ट होता है इसको क्रस्ट कहा जाता है, इसको क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, और जो सबसे इनर पार्ट होता है ये कोर कहलाता है। ठीक है, ये कोर कहलाता है। तो ना अगर हम बाय वॉल्यूम की बात करें, तो सबसे जो कम वॉल्यूम होती है, ठीक है, जो सबसे कम लीस्ट वॉल्यूम जो होता है, लीस्ट वॉल्यूम, वो आपके क्रस्ट का होता है। क्रस्ट की वॉल्यूम सबसे कम होती है। ठीक है, बाय वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं। और जो मेंटल होता है ना, मेंटल, इसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट वॉल्यूम होता है इसका, इसका आयतन सबसे ज़्यादा होता है। ये हम ना आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इनके मतलब कि डेप्थ की बात करें, अगर डेप्थ की बात करें, तो जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट पार्ट, ये 5 से 35 किलोमीटर होता है। क्रस्ट का जो डेप्थ होता है वो 5 to 35 किलोमीटर इसका डेप्थ हो जाता है। ठीक है, क्रस्ट का। मेंटल की बात करें, तो मेंटल के डेप्थ को अगर अर्थ के सरफेस से लिया जाए, तो मेंटल का डेप्थ 2900 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, डेप्थ ऑफ मेंटल इज 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर हम कोर की बात करें, तो कोर आपका हो जाता है 3500 किलोमीटर। तो ये आपने अर्थ के सभी पार्ट्स के डेप्थ को लिखा। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि इनकी खास बातें क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रस्ट की, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये हमारे अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर है। तो क्रस्ट वाले भाग की सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो सिलिकन पाया जाता है, सिलिकन और प्लस एल्यूमिनियम, इन दोनों की मात्रा, सिलिकन और एल्यूमिनियम की मात्रा इस पार्ट में सबसे ज़्यादा है। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है यहाँ पर, सिलिकन और एल्यूमिनियम। तो अगर आप ना इनको मिलाओगे, तो इस पार्ट को सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, इस भाग को सियाल भी कहती है। यहाँ पे सियाल का मतलब क्या है? SI सिलिकन के लिए है और AL एल्यूमिनियम के लिए है। तो इस पार्ट को सियाल नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ना सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि आप ना अर्थ के इनसाइड, आप अर्थ के इनसाइड जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे गहराई में जाओगे, तो दो चीजें होती हैं। एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और दूसरा डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दूसरा डेंसिटी इंक्रीज होती है। और इसकी एक वजह ये भी है, क्योंकि देखो कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे ना, तो आपके जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैवी होते चले जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम एक लाइट एटम होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्रस्ट की कम होती है। मेंटल में फिर थोड़ा सा हैवी एलिमेंट मिलेगा, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी क्रस्ट से ज़्यादा होगी, और कोर में आपको और भी ज़्यादा हैवी एलिमेंट मिलेगा, तो उसकी जो डेंसिटी है वो और भी ज़्यादा।
होगी। तो आप जैसे जैसे डेप्थ में बढ़ोगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जनरली जो ट्रेंड है वो क्या है कि हर 32 मीटर के साथ एक डिग्री टेम्परेचर राइज करता है इनसाइड अर्थ, ठीक है। तो क्रस्ट को सिलिकन और एल्युमिनियम की वजह से सियाल नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। इसी तरह से अगर हम मेंटल की बात करें, ठीक है, अगर हम सेकंड पार्ट मेंटल की बात करें तो जो मेंटल पार्ट की गहराई तो आप उधर लिख ही चुके हो कि 2900 किलोमीटर तक होता है। तो इस पार्ट में, जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, अगर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करें, तो यहाँ पे एक तो सिलिकन और दूसरा मैग्नीशियम, इन दोनों की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस पार्ट में सिलिकन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सिलिकन एंड मैग्नीशियम आर दी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन मेंटल रीजन। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो सीमा हो जाएगा, तो इस पार्ट को सीमा भी कहते हैं, ठीक है। मेंटल रीजन इज ऑल्सो नोन एज सीमा। यहाँ पे SI सिलिकन के लिए हो गया और MA मैग्नीशियम के लिए हो गया, ठीक है। तो मेंटल पार्ट को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आपका थर्ड रीजन है वो कोर हो जाता है। तो थर्ड रीजन कोर के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए कोर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो कोर होता है इसकी गहराई तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, कि 3500 किलोमीटर तक होती है मेंटल के बाद। और कोर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो है आपका निकिल एंड आयरन, ठीक है। निकिल और आयरन की मात्रा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में निकिल और आयरन पाया जाता है यहाँ पर। तो इस रीजन को नीफे भी कहते हैं, ठीक है। नीफे कहे जाने की वजह क्या है, Ni से निकिल और Fe से फेरस होता है, साइंस में आयरन को फेरस कहते हैं। तो नीफे भी इस रीजन को कहा जाता है, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज नीफे, Ni Fe, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जरा नोट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये जो आपके मेंटल का अपर पार्ट होता है, अगर हम इस अपर पार्ट की बात करें, मेंटल के अपर पार्ट की, तो ये जो अपर मेंटल होता है ना, इसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। अगर अपर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल को किस नाम से जाना जाता है, इसको एस्थेनोस्फेयर भी कहा जाता है। अपर मेंटल का दूसरा नाम है ये एस्थेनोस्फेयर। और इसी के ऊपर कहते हैं कि जो अर्थ के प्लेट्स हैं वो मतलब कि तैरती हैं, है ना। और इसके बाद जो आपका अपर कोर है, देखो कोर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इनर कोर एंड अपर कोर। तो जो अपर कोर है ना आपका, ये कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। इट इज़ सेड दैट अपर कोर की अगर बात की जाए तो अपर कोर कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में है या सेमी प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है। तो ये दो मैंने मेन पॉइंट बताए आपको, मेंटल से रिलेटेड एंड कोर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में जाना। अब जो अगला पॉइंट है हमारा अर्थ में, डैट इज़ वोल्केनो। तो अब थोड़ा सा हम लोग वोल्केनो के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, वोल्केनो के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का ही पार्ट आपका वोल्केनो भी हो जाता है, ठीक है। जो ज्वालामुखी है वो भी आंतरिक संरचना का ही एक भाग हो जाता है। तो पहले ज्वालामुखी का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक जो अगला है हमारा, डैट इज़ वोल्केनो। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ज़रा। देखो भाई, ये आपका इनसाइड अर्थ हो गया, ठीक है, पृथ्वी के भीतर की बात हम कर रहे हैं। तो ये क्रस्ट रीजन में, मोल्टेन मैग्मा होते हैं, ठीक है। इस क्रस्ट रीजन में मोल्टेन मैग्मा होते हैं, जो रॉक्स मेल्ट कर जाते हैं, जो रॉक्स गल जाते हैं। तो इन गले हुए रॉक्स को ही मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। मैग्मा हिंदी में भी मैग्मा ही कहते हैं। तो गले हुए चट्टान को मैग्मा कहते हैं। फिर जो आपका ये मैग्मा है, ये एक पाइप के थ्रू, एक वेंट के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये आपका एक वेंट हो गया, पाइप हो गया, ठीक है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये वेंट है, पाइप है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये मैग्मा बाहर आता है और अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है जिससे ये बाहर निकल के आएगा, ठीक है, जिससे ये
मैग्मा बाहर निकल के आता है, तो मैग्मा जैसे ही आपका बाहर आ जाता है तो इसका नाम लावा पड़ जाता है। लावा बाहर आते ही इसे लावा कहते हैं। एक चीज़ और, ये जो आपका पार्ट है ना सर्कुलर पार्ट, इसको क्रेटर कहा जाता है। कई ये जो मतलब कि अर्थ के ऊपर ये सर्कुलर पार्ट जिससे मैग्मा बाहर निकल के आता है उसे क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो जब लावा सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, तो इससे एक रॉक बनता है जिसको हम लोग इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक। तो लावा से बनता है इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर इग्नियस रॉक फर्दर सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, इस पर और प्रेशर पड़ता है, तो इससे जो अगला रॉक बनता है इसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से फिर बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, जो नेक्स्ट रॉक है आपका डैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मेल्ट होके मैग्मा बन सकता है। तो ये आपका साइकिलिंग होता है, एक जो चलता रहता है, इसी को हम लोग रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है, इसे रॉक साइकिल कहते हैं। तो इसमें अगर हम इन रॉक्स की बात करें, ठीक है, अगर हम इन रॉक्स के बारे में डिस्कशन करें, तो चलिए इन रॉक्स के बारे में जानते हैं ज़रा सा। तो सबसे पहले जो आपका इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक भाई ये प्राइमरी रॉक कहलाता है, ठीक है, इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये चट्टान बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा गया है। तो इसका आपका एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे बेसाल्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे भारत के पेनिनसुलर पार्ट में खूब पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भाग में बेसाल्ट खूब पाया जाता है, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, ये सारे आपके इग्नियस रॉक के एग्जांपल हो जाते हैं। दूसरा जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसकी खास बात क्या होती है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल की मात्रा होती है, ठीक है, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, जो जीव जंतुओं के अवशेष जो दब जाते हैं धरती के अंदर, तो उन्हें फॉसिल कहा जाता है। तो जैसे कि सैंड स्टोन हो गया, सैंड स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन हो गया, कोल हो गया, ये सारे के सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं, ठीक है, अवसादी चट्टान हो जाते हैं। हिंदी में इसे अवसादी चट्टान कहा जाता है, इसे कायांत्रित चट्टान कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक को, ठीक है, इसको हिंदी में कायांत्रित चट्टान कहते हैं, और इसे हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे खाली एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है, तो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल हो जाता है आपका डायमंड, डायमंड एंड मार्बल, ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल हो जाते हैं, गुड एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें, इस चैप्टर में हमने जो है सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये बेसिक है, और अगले वीडियो में और भी अच्छी चीज़ों के साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे कवर कीजिए अच्छे से, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं आपको अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।